Today I am going to start your first lesson of math, that is knowledge of number. In this chapter we will discuss first what is number, digits, numerals and its number name, then one digit number, two digit number and three digit number. आज हम इस पर चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले ये बताइए हाथों में मेरी कितनी उंगलियां हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. It is 5. तो 5 क्या है? What is 5? 5 उंगलियों की संख्या है. तो अब चलिए नंबर पर. ये 5, it is 5 in number. मेरी हाथ की उंगलियां कितनी है? 5 है. तो हाथ की उंगलियां क्या होंगी? एक क्वांटिटी हो गई, एक वस्तु समझ लीजिए आप. और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नंबर के द्वारा. तो नंबर को हम डिफाइन करते हैं. नंबर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट और ए क्वांटिटी. जैसे मैंने पूछा हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो हाथ मेरी क्वांटिटी हो गई. आपने काउंट करके बताया 1, 2, 3, 4, 5. ओके, नाउ डिजिट. टू राइट ए नंबर, एक नंबर को लिखने के लिए वी यूज सम सिंबल्स. दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट. इस सिंबल्स को, जैसे अपने उंगलियों को काउंट तो कर लिया, यहां 5 है, 1, 2, 3, 4, 5. अब लिखेंगे कैसे? एफ आई वी ई, 5 लिखा. और इसके लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डिजिट कहते हैं. तो कैसे? अब यहां आप देख लीजिए, दीज आर 10 डिजिट्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? इस तरह से इसको 5, इट इज 5. ओके, नाउ न्यूमरल्स. व्हेन वी राइट ए नंबर, जब हम किसी नंबर को यूजिंग डिजिट, डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक में किसी भी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? हमारा न्यूमरल. और नंबर नेम क्या है? या नंबर नेम. अब नंबर नेम की बातें आती है तो हम क्या जाना है? व्हेन वी राइट ए नंबर बाय यूजिंग वर्ड्स, जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप यहाँ एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, यह कप कितना है? यह एक कप है. और वह कितनी संख्या में? एक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ एन ई, 1. तो दिस इज नंबर नेम. फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड ओनली. और आप देखिए कि एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूं कि 5, जैसे हाथ की उंगलियों के बारे में बात की, 5 इन नंबर. तो 5 इज ए वर्ड यूज्ड फॉर टेलिंग द क्वांटिटी, सच ए वर्ड इज कॉल्ड नंबर. इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं? इस तरह के क्वांटिटी को क्या कहते हैं? नंबर. टू राइट ए नंबर वी यूज सम सिंबल्स, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दीज आर 10 डिजिट्स. All numbers are formed by these digits only. और ये जितने भी numbers हैं, चाहे वह 2 digit की हो या 3 digit की हो या उससे ज्यादा की हो, सारे numbers इसी 0 से लेकर के 9 तक के number से बनते हैं. आपको एक एक करके दिखाया जाएगा. We can write a number by 2 ways. Number को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. एक तो digit के बारे digit से, और दूसरा वर्ड से. 2 तरह से हम लिखते हैं नंबर को. एक डिजिट के द्वारा, 1, 2, 3 एंड ओ एनी वन, जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ड्स के द्वारा. तो 2 तरीकों से हम नंबर्स को लिखते हैं. अब आप यहां तक तो आपको समझ में आ रही होगी क्या है नंबर, डिजिट्स, न्यूमरल्स एंड नंबर नेम. आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 digit नंबर. 1 digit के सबसे 0 क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट 1 digit नंबर. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे एक अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या. उसके बाद 2 digit पे आएंगे, फिर 3 digit पे आएंगे. इस तरह से हम देखते हैं. अब जैसे आपने देखा, 1 से पहले 0 है, तो यह क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या. इसमें 1 digit है, एक नंबर. और लार्जेस्ट सबसे 9. 9 के बाद जब हम 10 आते हैं, इसमें 1 और 1, ये 2 हो जाता है. तो ये 1 digit के लार्जेस्ट नंबर जो है, यही खत्म हो जाती है. यह हो गया आपका 1 digit स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर. इसी तरह से जब आप 2 digit में आएंगे, तो 2 digit की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी?
या है वन डिजिट, वन डिजिट। कॉपी और पेंसिल निकाल लें बच्चों और साथ साथ आप नोट करें इसको। टू डिजिट की छोटी संख्या क्या होगी? टू डिजिट टेन, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टेन, एंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज 99। 99 के बाद क्या आता है? 100। तो जब आप 100 लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट होंगे? 1 2 3, ये तीन। तो आपका दो टू डिजिट्स नंबर 99 पर ही खत्म होती है। ओके, नाउ कम टू द थ्री डिजिट्स नंबर 100। इसी तरह से आप लिख लेंगे 100 एंड लार्जेस्ट 999। जितने भी नंबर्स बढ़ेंगे, चाहे वह वन डिजिट हो, टू डिजिट हो, थ्री डिजिट हो, आप 9 बढ़ते चले जाएंगे। वन डिजिट में 9, टू डिजिट के लार्जेस्ट में 99, थ्री डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 999, 999। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वन डिजिट की, टू डिजिट की और थ्री डिजिट की, स्मॉलेस्ट संख्या और लार्जेस्ट संख्या, ये हम डिस्कस कर लिए। अब आपको मैं एक दो और एग्जांपल्स बता रही हूँ, आप उसमें गेस करेंगे कि वह टू डिजिट है या थ्री डिजिट है। तो चलिए मैं दे रही हूँ आपको नंबर 72। आप बताइए इसमें कितने नंबर है या कितने डिजिट की संख्या है? तो ये टू डिजिट की, बताइए। ओके, करेक्ट है? टू या थ्री है? नहीं, टू। वन टू, 72 में कितने हैं? टू। अब 981, इसमें कितने डिजिट है? तो थ्री। तो इस तरह से आप देखिए धीरे धीरे कि आप, और वन डिजिट में देखिए, जैसे वन डिजिट है 9 7 8, दीज आर वन डिजिट नंबर, इसमें एक ही है। दूसरा एग्जांपल देखिए 84, इसमें कितने है डिजिट? टू। तो यह दो दो अंकों की संख्या है। उसके बाद आप जैसे 12 32, ये क्या है? टू डिजिट नंबर, ऑल आर टू डिजिट नंबर। अब यहां पर आप चलिए जैसे 111 111 लिखा, इसमें थ्री डिजिट। 121, ये भी थ्री डिजिट। 321, ये भी थ्री डिजिट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर और थ्री डिजिट नंबर में क्या डिफरेंस है। ओके, अब मैं आपको एक दो नंबर्स देती हूँ और आपको उसे बनाना है कि आप उससे दो डिजिट के और थ्री डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज के सवाल देंगे और आप इसको होमवर्क में करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 3 2 और 1। आपको कहा गया है कि ये चार डिजिट मैंने दिया है और आपको इससे पहले दो अंकों की संख्या बनानी है, फिर तीन अंकों की संख्या बनानी और चार अंकों की। तो चार अंकों की बात छोड़ दीजिए, अभी हम लोग थ्री डिजिट तक डिस्कस कर रहे हैं। तो टू डिजिट का नंबर हम इससे पहले बना रहे हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया? 43। दूसरा क्या हो गया? 42। तीसरा क्या हो जाएगा? 41। फिर हो जाएगा, अब इधर से मान लीजिए आप इस नंबर से शुरुआत करिए तो 32, 43 अगेन, 43 लिख सकते हैं या उलट के लिखिए तो 34, फिर 31, उधर से अपोजिट से करिए तो 12, 13 14। तो देख रहे हैं आपकी, आपको मैंने चार नंबर, चार डिजिट दिए, 4 3 2 1, और आपको इससे दो डिजिट के नंबर कितने बने, दो अंकों की संख्या कितनी बन रही है। तो आपने देखा, तो इस तरह से आप अपने मन से भी एट रैंडम आप कोई भी नंबर चूज कर ले और उससे आप टू डिजिट के नंबर कितने बन रहे हैं, थ्री डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब इसमें थ्री डिजिट के नंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले 4 3 2 40 432। दूसरा नंबर बनाइए 431। तीसरा नंबर बनाइए 321। उसके बाद चौथा नंबर बना लीजिए आप 421। फिर अगेन 123 124 234 431,
यहां भी हमने लिखा है, उलट करके भी आपको लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि 4321 मैंने जो डिजिट दिए उससे टू डिजिट नंबर भी आप कितना बना सकते हैं और फोर डिजिट कितना बना सकते हैं। आपको क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, नंबर्स क्या है, किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अमाउंट और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर कहलाता है। और नंबर को लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा क्या है, ये है डिजिट्स। फिर व्हेन वी राइट ए नंबर यूजिंग डिजिट्स इट इज कॉल्ड न्यूमरल। जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स नेम उसके। जैसे आपको एग्जांपल्स के द्वारा दिखाया गया, फिर हमने एक वन डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट्स के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को बताया और आपको कुछ नंबर दिए जिससे आपने टू डिजिट और थ्री डिजिट के नंबर को बताया। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लीजिए एंड देन यू विल कंप्लीट इन योर होमवर्क। सो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1A, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर डिजिट नंबर और इसके कुछ एग्जांपल्स।